बोल कलाकार सीतारा। प्यारे दर्शकों एवं भाइयों, आपको भारतीय संस्कृति और धर्म की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि और उस पर कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपको अगली कथाएं और भी सुंदर से सुंदर सुना सकूं। बोल कलाकार सीतारा। बात उस समय की है जब राजा रामचंद्र जी का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है। अश्वमेघ यज्ञ के लिए जब घोड़ा गया, जिसकी रक्षा में शत्रुघ्न, भरत पुत्र पुष्कर, अंगद, हनुमान, द्विज, महेंद्र, सुग्रीव इत्यादि वानर सेना के साथ घोड़ा चलते चलते हेमकूट पर्वत के पास पहुंच जाता है। बड़े आनंद के साथ घोड़ा चल रहा है, पीछे सेना जा रही है, बड़े आनंद मंगल है। जब भी रास्ते में मिलते हैं राजा महाराजा, राज सभी प्रेम पूर्वक सम्मान करते हैं शत्रुघ्न जी का, और भगवान की अश्वयज्ञ में सम्मिलित होकर और उसके सम्मान के साथ पान पुष्प देकर माला पहनाकर सम्मान करते हैं, और जो भी उन पर आदर्श उस समय का नियमानुसार आभूषण इत्यादि भेंट करते हैं, सेना के दो चार टुकड़ी साथ देते हैं और बाकी राजा अयोध्या को चल देते हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ चल रहा है। हेमकूट पर्वत पर जब घोड़ा पहुंचता है तो अचानक ही वो स्तंभित हो जाता है, न हिलता है, न जुलता है, न बोलता है। सेवकों ने जब जाकर राजा शत्रुघ्न जी को बताया कि घोड़ा स्तंभित हो गया है, न बोलता है, न चलता है, बिल्कुल पत्थर की स्थिर हो गया। यह देखकर शत्रुघ्न जी बड़ी तीव्रता के साथ घोड़े के पास पहुंचते। पुष्कर घोड़े को हिला डुला कर देखते हैं तो वो बिल्कुल स्तंभित पत्थर की तरह, बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा है। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ। तो शत्रुघ्न अपने महामंत्री सुमत से पूछते हैं कि सुमत हमको क्या करना चाहिए। सुमत कहते हैं, महाराज यह आसपास किसी ऋषि मुनि की हमें खोज करनी चाहिए, इसका वही कोई कारण बता सकते। शत्रुघ्न जी ने तुरंत सूचना कहा सबसे, भाई देखो कोई महात्मा है आसपास, कोई सिद्ध पुरुष मिले जो हमें इससे ज्ञात हो कि ये इसका कारण क्या है, ये यज्ञ का उड़ा है, इस तरह से ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। पास में खोजने पर पता चला कि सौनक ऋषि वहां रहते हैं। सौनक ऋषि के पास पहुंचे, शत्रुघ्न जी ने बड़ी विनम्रता के साथ उनका आदर सत्कार किया, दंडवत प्रणाम किया और बताया कि महाराज हम राजा राम के छोटे भाई शत्रुघ्न हैं, उनके अश्वमेघ के घोड़े के साथ साथ चल रहे थे, यहाँ आकर अचानक इस घाटी पे वो घोड़ा स्तंभित हो गया है। सौनक ऋषि ने, अब त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उन्होंने योगदर्शी को मिलाकर ध्यान लगाकर देखा, जब कहा शत्रुघ्न तुम घोड़े के पास जाकर राम जी के कीर्तन का गुणानुवाद कीजिए। इसका कारण मात्र यह है कि पूर्व काल में एक ब्राह्मण ने एक ऋषि का बड़ा अपमान किया, इस कारण ऋषि ने उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया था। बड़े अनुनय विनय करने पर ब्राह्मण के पर महात्मा ने कहा कि जब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा आए इधर तो तुम उसे स्तंभित कर दोगे, तो वह राम कथा तुम्हें सुनाएंगे, उससे तुम्हारा हिसाब दूर हो जाएगा, तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। यह सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी आगे चल करके वहां खड़े होकर के रघुपति राघव राजा राम परित भाव सीताराम हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। सभी ने बड़े आदर सम्मान और विनम्र भाव से कृष्ण भगवान का कीर्तन किया। हनुमान जी ने राम कथा सुनाया, भाई कथा वाचक बने वहां। कथा सुनकर के हनुमान जी बड़ी विनम्रता के साथ घोड़े के पास पहुंचे और कहने लगे, हे देव तुम कोई भी हो, उस घोड़े को छोड़कर तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हें हमने बड़े आदर से भगवान राम का कीर्तन सुनाया है, कथा सुनाई है। देखते ही देखते वो ब्राह्मण स्वयं देव रूप धारण करके वो मुक्त को प्राप्त हुआ और अश्वमेघ को चला जाता है। घोड़ा वहां से अपनी अवस्था में आ जाता है, घोड़ा चिंगाड़ने लगता है और आगे को बढ़ जाता है।
यह देखकर सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए और बड़े प्रसन्न हुए। घोड़े के पीछे पीछे चलते हैं, आगे चल के क्या होता है, घोड़ा कुंदलपुर नगर में पहुंच जाता है। जब कुंदलपुर के नगर की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहां के जो नगरवासी थे, आसपास जंगल में जो मिले, उन्होंने राजा की बड़ी महिमा का गान किया कि हमारे राजा बड़े धर्मात्मा है, हमारे घर घर में तुलसी का पूजन होता है, घर घर में गौ का पूजन होता है, घर घर में कथाएं होती हैं, राम जी का गुणानुवाद होता है, पूरा नगर विष्णु भक्त है। यह सुनकर शत्रुघ्न को और भी अधिक प्रसन्नता हुई। वो भगवान के गुणानुवाद करते हुए आगे चलते हैं। नगर के समीप जाकर क्या देखते हैं, जंगल में एक घुड़सवार भोग शिकार खेलने के लिए आ रहा है, धनुष बाण लिए हुए। उसने जब भगवान के इस घोड़े को देखा, नगर पट्टिका को देखा, गले में पड़ी हुई पट्टिका जो उसने पड़ी, उसने घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ करके खड़ा हो गया। उसके जो अनुचर थे उन्होंने जाके कहा, उसने युवक ने कहा कि तुम राजा को सूचना दो। युवक ने जाके राजा को सूचना दी कि जंगल में घोड़ा युवराज चंपक ने पकड़ लिया है और उसमें पट्टिका अयोध्या के राजा राम की है। तो राजा खुशी से नाच लगा, सुरथ नाम के राजा थे कुंडलपुर के, खुशी से नाचने लगे, बधाइयां होने लगी, घर घर में सूचना हो गई कि हमारा सौभाग्य फिर आया, राजा राम का घोड़ा हम लोग के नगर में आ गया है, अब भगवान के हमें दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। इस नगर में खुशी हुई, लहर मच गई। तो राजा ने आज्ञा दी कि चंपक को जाके कहो, जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था चंपक, कि वो घोड़े को पकड़ के नगर में ले आए। राजा की आज्ञा सुनकर चंपक घोड़े को लेकर चलने लगा। घोड़े को लेकर चलने लगा, इतने में शत्रुघ्न की सेना उसके आसपास पहुंची। पता सेवकों ने शत्रुघ्न से कहा कि घोड़ा एक राजकुमार ने पकड़ लिया है और लेकर नगर की ओर जा रहा है। शत्रुघ्न ने आदेश दिया घोड़े को रोका जाए। चंपक के सामना करने के लिए पुष्कल भरत जी के बड़े पुत्र थे, वो जाते हैं सेना लेकर, चंपक का रास्ता रोके खड़े हो जाते हैं। बोले भाई, ये घोड़ा रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ है, अश्वमेध का है, इसे पकड़ने का तात्पर्य है कि राम जी की सेना से युद्ध, अगर ले जाते हो तो युद्ध के लिए तैयार, चुनौती स्वीकार करो। बोले हाँ, युद्ध के लिए तैयार। तो पुष्कल का चंपक का युद्ध होता है, तमाशा युद्ध होता है, और पुष्कल को मूर्छित करके तो चंपक घोड़े को लेकर नगर में चले जाते हैं। तो उसकी उधर तो उसकी प्रशंसा सुनी थी, राम के अनन्य भक्त है सुरत, इधर घोड़े पर को ले जाना और पुष्कल को मूर्छित करके ले जाना, ये सुनकर शत्रुघ्न के क्रोध की सीमा न रही। फिर भी उन्होंने भगवान का भक्त होने के नाते विचार किया कि आखिर इसका कारण क्या है, हो सकता है राजा सुरत भगवान के भक्त है, उनका अनुशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनका अनुन कीर्तन करते हैं, मरण करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, संत ब्राह्मण का सम्मान होता है, ऐसे राजा राम से युद्ध करना क्यों चाहेगा, हो सकता है उनका पुत्र अहंकार में ऐसा कर रहा हो। अंगद जी से कहा, अंगद तू राजा सुरत के पास जाओ, राजा को इसकी सूचना दो कि शत्रुघ्न नगर के बाहर खड़े हैं, अगर घोड़े को आप पकड़ते हैं तो युद्ध के लिए बाहर आए, अन्यथा घोड़े को छोड़ दें, हमारा आपका कोई बैर नहीं है पुराना। अंगद जी दूत बनकर जाते हैं और जाकर राजा सुरत से कहते हैं, राजन ये राम जी का घोड़ा, इसकी पट्टिका लगी हुई है, आप राम से युद्ध लेना चाहते हैं या सम्मान साथ घोड़े को वापस कीजिए, शत्रुघ्न का आदेश है। बोले कि अंगद, विनम्र भाव से हम आपसे निवेदन करते हैं, हम भगवान राम से वैर नहीं रखते, हम उनके अनन्य भक्त हैं, हम राम का दर्शन करना चाहते, और मेरी ये प्रतिज्ञा है कि राम मुझे दर्शन देंगे यहीं आकर। काल में आपको और भी बता देता हूं, पूर्व काल में बहुत पुराने समय में मैं भगवान की पूजा कर रहा था, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर के धर्मराज मेरे पास आए और धर्मराज ने मुझे वरदान देने को कहा, तो मैंने धर्मराज से एक ही वरदान मांगा था, प्रभु राम का दर्शन मुझे मेरे यहां पर हो। उन्होंने तथास्तु कहा मुझे कि हाँ, तुम्हारी इच्छा था राम का तुम्हें दर्शन अवश्य होगा। उन्होंने ही मुझे यह वरदान दिया कि जब तक तुम्हें राम का दर्शन नहीं होगा
तब तक तुम काल के मुंह में नहीं जाओगे, मुझसे तुम्हारा कोई भय नहीं रहोगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो मैं मृत्यु का भय मुझे नहीं। अंगद अंगद ने कहा, हे महाराजा विचार कीजिए, हनुमान जैसे उनके पायक हैं, घोड़ा के रक्षक हैं, जिन्होंने समुद्र का लंघन किया, लंका को विध्वंस किया, अशोक वाटिका को तोड़फोड़ कर डाला, जम्बू माली तक मार डाला, अनेकों निशाचरों अक्षय कुमार को मार डाला, अक्षय निशाचरों को मार डाला, हनुमान जी ही ऐसी एक शक्ति है जो लक्ष्मण की मूर्छित होने पर द्रोणगिरी पर्वत पर से पर्वत उठा लाए। उनकी लीला का बखान और वर्णन कोई नहीं कर सकता, केवल राम जी ही जानते हैं हनुमान क्या है और क्या बल है उनमें। सुग्रीव जिसने रावण से युद्ध किया है, कुंभकर्ण से युद्ध किया है, अनेकों महावीर बानरों के साथ उन्होंने लंका में विजय दिलाई भगवान राम को, दुर्योधन के बल को कौन नहीं जानता है। मैं भी छोटा सा बानर राम का सेवक हूं, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? आपकी ये कुंतलपुर लंका की तरह विध्वंस हो जाएगा, आज भी निशाचरियों को केस नहीं भरते हैं, केस खुले हुए पति के विहीन होने के कारण, विधवा होने के कारण, क्यों अपने कुंदलपुर का विनाश कराना चाहते हो राजन? सुरत बड़े प्रेम से हंसकर बोले, अंगद मेरा विनम्र निवेदन है तुमसे, तुम महाराज शत्रुघ्न से मेरा निवेदन जाके निवेदित करो कि जब तक राम जी यहाँ आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, घोड़ा हम आपको नहीं दे सकते। हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय धर्म का पालन करते, युद्ध में डट कर युद्ध करेंगे। एक ही रास्ता, या तो राम आकर हमें दर्शन दें, या आप युद्ध में हमें परास्त करके बांध कर यहाँ से ले जाए, और कोई रास्ता नहीं है। ये अंगद क्योंकि दूत थे इसलिए कुछ अधिक नहीं कह पाए, दूत का उन्होंने पालन किया, आके शत्रुघ्न से सारा वृतांत सुनाया। शत्रुघ्न को क्रोध बहुत आया और मन में ये भी था कि भगवान का भक्त है, इसको कैसे युद्ध किया जाए, संशय में रहे। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राजा सुरथ युद्ध के लिए तैयार है, हमें भी अपने धर्म का पालन करते हुए यज्ञ की रक्षा के लिए घोड़े को ले जाना अति आवश्यक है, इसलिए युद्ध किया जाए। सुग्रीव और हनुमान की मंत्रणा के बाद सेना को आदेश दिया गया कि युद्ध किया जाए, तैयार हो। क्षेत्र हो गया, उधर से 200 पुत्रों के साथ सेना को लेकर के, सेनापति को लेकर के सुरत युद्ध के मैदान में आ गया। उन्होंने क्रौर चुभ्रुव की रचना की, मुंह पर चंपक को रखा गया, भाई 10 भाइयों 5 भाई दोनों पंखों की जो व्यवस्था बनाई थी उन पर रखे गए, पूछ वाले स्थान पर राजा सुरत स्वयं खड़े हुए और उस क्रौच अवस्था में अपनी सेना को खड़ा करके युद्ध भी बना दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब क्रौच युद्ध बनाया तो गरुण व्यू उन्होंने भी बनाया, शत्रुघ्न भगवान ने भी गरुण व्यू की रचना की और आक्रमण एक साथ हुआ, भयंकर युद्ध होने लगा। जब भयंकर पुष्कल और चंपक आपस में भिड़ जाते हैं, अंगद दूसरे पुत्र भूरसवा इत्यादि पुत्रों के साथ अपने अपने जोड़ के योद्धा मिलकर युद्ध करने लगते हैं, भयंकर युद्ध होता है। अब उस युद्ध में चंपक ने पुष्कल को पकड़ के रथ में बांध लिया और इतना उन्होंने भयंकर मार मारे कि मूर्छित हो गया था पुष्कल, भरत का पुत्र पुष्कल, उन्होंने अपने रथ में बैठा लिया। यह बात जब हनुमान जी ने सुनी कि पुष्कल को रथ में बैठा लिया है वहां के नायक ने, हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, वो दौड़ते हुए उस पुष्कल के पास आए, उन्होंने रथ में बैठा हुआ मूर्छित देखा, उन्हें क्रोध आया, उन्होंने चंपक को अपनी पूंछों लपेट करके और आकाश में ऊपर उड़ गए, ऊपर जाके पैर पकड़ के चंपक का नीचे उल्टा पटक दिया और नीचे गिर करके चंपक मूर्छित हो जाता है और बेहोश होकर जो गिर पड़ा है, ये उनके भाइयों ने और पिता ने सुना तो बड़ा उन्हें भी क्रोध आया, भयंकर युद्ध होने लगा। तो सुरथ ने इतने तीक्ष्ण बाण मारे कि पूरी सेना को बेहोश करके डाल दिया। शत्रुघ्न पुष्कल सभी बेहोश हो जाते हैं, सबको रथ में बिठा लिया जाता है। हनुमान जी कहने लगे, वो जब सामने आके हनुमान जी डट जाते हैं, कहते महाराज सुरथ सुनो, तुम भी राम के सेवक और हम भी राम के सेवक हैं, इसलिए ये युद्ध तो उचित नहीं था, ले अपने अपने धर्म और कर्म के लिए हम दोनों युद्ध कर रहे हैं, अब सावधान हो जाओ। तो पुष्कल राजा सुरथ धनुष लेकर के जैसे ही हनुमान जी बाण मारते हैं,
हनुमान जी उसके धनुष को तोड़ देते हैं। दूसरा धनुष लेके मारते हैं तो फिर तोड़ देते हैं। जब युद्ध विशेष बाण चलने लगे, ब्रह्मास्त्र जला दिया, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को लील जाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने उसके 80 धनुष तोड़ डाले, 49 रथों को नष्ट कर दिया। 49 रथ जब नष्ट हो जाते और 80 धनुष टूट जाते रथ के, तो बहुत क्रोधित हो जाता, अग्नि ज्वाल हो जाता है, यमराज की भांति दिखाई देता है, भयंकर मार चलता है, शिवास्त्र, गरुड़ास्त्र, वायास्त्र, अग्नास्त्र, अनेकों दिव्य अस्त्रों का प्रहार करता हनुमान जी पर। और किसी हनुमान जी सबको पकड़ पकड़ के तोड़ते चले जाते हैं सब। कोई भी अस्त्र हनुमान जी पर प्रभाव नहीं डाल पाता। सेना मूर्छित हो जाती, शत्रुघ्न मूर्छित है, पुष्कर मूर्छित है, सुग्रीव मूर्छित है, अंगद मूर्छित है, मैंद दुविध सब मूर्छित है, लेकिन हनुमान जी अकेले युद्ध का सामना कर रहे हैं। हनुमान जी को जब विशेष क्रोध आता है तो कहते हैं हनुमान जी सुरसादार हो, उसके रथ को लेके कूचो लपेट के आकाश उड़ जाते हैं। आकाश में उड़ते हुए रथ को देख करके इस रथ को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपने प्राण को निहित निकलते की संभावना महसूस की, लेकिन वो यमराज का उन्हें आशीर्वाद या वरदान ध्यान आया कि मेरी मृत्यु तो बिना राम के दर्शन के हो ही नहीं सकती, हनुमान जी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने फिर बाण चलाना प्रारंभ किया और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी सावधान हो और मैं तुम्हारे फिर बाण मारता हूँ। अनेक बाण फिर चलाए रथ में तो हनुमान जी घायल हो जाते हैं, उनके रक्त की बूंदे लाल लाल कमल के समान खिले दिखाई दे रही हैं, उनके स्वर्णमय शरीर पर ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज की किरणें लाल लाल दिखाई देती, जैसे कमल की बूंदों पर ओस की बूंदों पर सूर्य की किरण चमकती है। इस तरह से शोभा को प्राप्त हनुमान जी पृथ्वी पर आ जाते हैं। सभी फिर उन्होंने दिव्यास्त्र चलाना प्रारंभ किया, लेकिन हनुमान जी सब दिव्यास्त्रों को जब काट देते हैं तो सुरथ एकदम ध्यान करते हैं और रामास्त्र का प्रयोग करते हैं। रामास्त्र का प्रयोग करते हैं तो हनुमान जी अपने इष्ट के बाण को आता देख करके शब्द शांत खड़े हो जाते हैं, कहते सुरथ तुमने मेरे ही राम के अस्त्र से मुझे बांध लिया है, मैं इसकी मर्यादा नहीं तोड़ सकता, और तुम भी राम के भक्त हो, तुम अपने मनोकामना को पूर्ण करो, मैं तुम्हारी युद्ध से बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, पर इतना ध्यान रखना, मेरे बंधन होने के बाद मेरे प्रभु मुझे छुड़ाने तुरंत चले आएंगे यज्ञ छोड़कर, मेरे बंधन को मेरा प्रभु कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूरज कहने लगे, हनुमान हम भी तो यही चाहते हैं, भगवान का हमें दर्शन हो, इसके अलावा हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, न हमारा कोई वैर है आपसे, न आपकी सेना से, लेकिन ये व्यक्ति विशेष से, हम तो मात्र दर्शन चाहते हैं, इसीलिए युद्ध कर रहे हैं। जब राम का जन्म हुआ था तब भी सभी सेना यहाँ से गई, आसपास के राजा सब जा रहे थे, मुझसे भी सर ने कहा था कि भगवान का अवतार हो गया है दशरथ जी के यहाँ, चलो दर्शन करके आए। सभी राजा गए थे, तब भी मैंने कहा था कि मुझे दशरथ के घर पर जाने की आस्था नहीं है, मुझे यमराज का ये वरदान प्राप्त है कि प्रभु मेरे दरवाजे पर ही दर्शन देने आएंगे और एक दिन आएंगे, ये मुझे अटल विश्वास है। और मैं जब भी दर्शन करने भगवान के यहाँ नहीं गया था, लंका जीत कर जब राम आए तभी सभी राजा एकत्रित हुए वहां जाकर, तभी मुझसे मेरे मित्रों ने रिश्तेदारों ने कहा था चलो राम का दर्शन करके आए, लंका जीत कर आए, तभी मैंने कहा था नहीं, मेरे दरवाजे में भगवान मुझे दर्शन देने आएंगे, ये हनुमान मैं भी यही चाहता हूँ। अब सभी को बांध करके अब अपने रथों में लाद लेते हैं, अपने सभी वीर रथों में लाद कर सबको लेकर चल देते हैं बंदर में लेकर के। हनुमान जी बंदर में आके उस सूरत के दरबार में बिठा दिया जाता है। जब हनुमान जी और सभी बंधन में पड़े हैं, राम जी की पूरी सेना वहां बंधन में है, तो सूरत विलंबर भाव से हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी और तो ये सब मूर्छित है, अब आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप भगवान का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान को बुलाएं जिससे मुझे दर्शन हो जाए और आप सबकी मुक्ति हो जाए। अपने आस पास अपने वीरों को बंधन में पड़ा देखकर हनुमान जी चिंतित और भगवान को आर्त भाव से पुकारने लगे, वही उनका एक ही गीत है, रघुपति राघव राजा राम पति तबावन सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे में उनको धुनों बंध जाती है, सीताराम 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 धुन बांध देते हैं, अटल धुन कहते हैं, कृपा सिंधु हे करुणा सागर हे दीन बंधु हे अखंड ब्रह्मांड के नायक हे करुणा निधान, अब दया कीजिए अपने भक्त पर, मैं मन वचन कर्म से आपका सेवक हूँ,
मेरे मन वचन कर्म से आपके चरणों की सेवा कीजिए। आपके पदार बिंदों में मेरा हमेशा ध्यान रहा है। हे श्याम स्वरूप, हे नील कमल के समान दिखने वाले, हे मुखारविंद कमल के समान आपका है, बाहु विशाल है, वक्षस्थल चौड़ा है, कौस्तुभमणि की माला पड़ी है, कुंडल धारी मुकुट धारी हे राम, आकर दर्शन कर मुझे मुक्त कीजिए, मेरे बंधन को मुक्त कराइए। ये कर्ण पुकार जब भगवान के हृदय में पहुंचती है, भगवान अपने वो यज्ञशाला में बैठे हुए हैं, मृग चरवल बांध लिए हुए हैं, मृग का सिंह हाथ में है, ऋषि मंडली के साथ भगवान रथ पर बैठ कर वहां से फौरन दौड़े चले आते हैं। आगे कुंदलपुर में जब प्रवेश करते हैं, बड़े आर्त भाव से नगर में को जाते हुए देखकर नगरवासी बड़े प्रसन्न होते हैं, राम के जय जयकार होने लगते, सारे नगर में जय जयकार की आवाज दरबार में पहुंचती है, दरबारियों में प्रसन्नता छा जाती है, भगवान आ रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। और जब दरबार में प्रवेश करते हैं भगवान, तो हनुमान जी देखकर एकदम गदगद होकर रो जाते हैं, भगवान के चरणों में पड़ते हैं, प्रभु आपने इस अवस्था में भी यज्ञशाला को छोड़कर मुझे दर्शन दिया, अब मुझे विश्वास है कि राजा हमें सबको मुक्त कर देगा। जब ये बार राजा सुरथ ने सुनी कि राम आ गए हैं, हनुमान जी उनकी विनय में, तो वो भी आगे चरणों में लेट जाता है, कहने लगता है अपने पुत्रों से सेना से, भगवान आ गए हैं, अब शरणागत हो सब लोग, हम सबकी कृपा हम पर भगवान ने की आके मेरे दरवाजे पर, कितने हम सौभाग्यशाली है, हनुमान जी कृपा से हम सबको भगवान का दर्शन हुआ है। भगवान से कहता है राजा सुरथ, प्रभु मैंने अपने क्षति धर्म का पालन करते हुए और उस अटल विश्वास पे कि यमराज मुझे वरदान देके गए थे, प्रभु आपके पास अवश्य आएंगे, मैंने आपका घोड़ा पकड़ लिया था दसवीं अभिलाषा से, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मेरे नगरवासी आपके अनन्य भक्त हैं, मेरे नगरवासियों को आपने कृपा करके दर्शन दिए, हम सदैव आपके आभारी हैं। भगवान कहने लगे, नहीं राजन, तुमने अपने क्षति धर्म का पालन किया है, नगर में अपने पालन को करते हुए धर्म का पालन किया है, तुमने क्षति धर्म का पालन करते हुए युद्ध लड़ा है, मैं तुमसे कुपित नहीं हूँ, मैं भी ऐसे भक्त को देखकर प्रसन्न हूँ, आपकी भक्ति को देखकर ही मुझे यज्ञशाला छोड़कर यहाँ तक आना पड़ा है और उनके वरदान को पूरा करना पड़ा है। भगवान किसी के साप को पूरा करने के लिए, किसी के वरदान को पूरा करने के लिए ही अवतार लेते हैं। बोल कड़ाकर सीताराम।